दादी माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? दादी माँ ये मंदिर देखिए। मुझे जब से होश आया ना दादी माँ, मैं कुछ अजीब अजीब सी चीजें देख रही हूँ। जैसे कि एक एक मंदिर है छोटा सा सफेद रंग का, और उसके ऊपर एक झंडा है सफेद और गुलाबी रंग का। उसके ऊपर काले रंग में स्वस्तिक का एक निशान बनाया हुआ है, और एक बड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे ये मंदिर है। दादीमा, अब तो आप मेरा विश्वास कर रही हैं ना? अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं पागल नहीं हूँ? जो कुछ भी मैं देख रही हूँ ये सब सच है। माँ, हे माँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सब जानती हैं, हर चीज की खबर रखती हैं। मेरी सुहाग की रक्षा करना। ये कौन सा शहर है? मैं जानती हूँ, मेरा समीर जिंदा है। मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने आज तक जो कुछ भी देखा है वो सब सच है, और आगे भी सच होने वाला है। आप तो इतने सारे चमत्कार दिखाती हैं माँ, एक चमत्कार और दिखा दीजिए। आपको मेरे समीर को मुझे वापस करना ही होगा माँ। आपको मेरा सुहाग लौटाना ही होगा। मेरे परिवार वालों को ये यकीन दिलाना ही होगा कि मैं पागल नहीं हूं। ये तो सच है, जानकी ने जैसा कहा यहाँ सब वैसा ही है। लेकिन जानकी की बात का सही होना इत्तफाक भी तो हो सकता है। चलो बेटा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कुछ पहचान क्यों नहीं पा रहा हूं? तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भगवान? कम से कम मुझे मेरे परिवार वालों से तो मिला दे। मुझे मेरे परिवार से मिला दो।
मेरी पहचान वापस लौटा दो। अनसुलझी पहेली को तू ही सुलझा सकती है माँ, सुलझा दे। अब तो आप लोगों को मुझ पर यकीन करना ही पड़ेगा, सभी जिंदा है। नहीं, उसे देखा है, वो जिंदा है। क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो बेटा? इस दुनिया से जाने के बाद क्या कोई कभी लौट कर आया है? तुम जिस उम्मीद का दामन थाम कर चलना चाह रही हो वो छलावा है बेटा, वो धोखा है बेटा। समझने की कोशिश करो। तुम फील बैड है बेटा, पर ऐसा तो है नहीं कि तुम पहली बार मंदिर गई हो। इससे पहले भी तो तुमने ध्वज और डेरे को देखा होगा, लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान नहीं पड़ा होगा। अब जब तुम्हारा ध्यान पड़ा है तो वही बात तुम्हें नींद में बार बार याद आ रही है। कहाँ? जानती बेटा, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम समीर को बहुत प्यार करती हो और शायद इसी वजह से वो तुम्हारे ख्यालों में से निकल कर तुम्हारे ख्वाब में आ गया है। ऐसा नहीं है भावना चाची, झूठ नहीं हो सकते। इतना नौटंकी वाला घर तो मैंने आज तक नहीं देखा वाला मुआ। कसम से, का तो रोज का कोई ना कोई नाटक लगा हुआ रहता है। मान लेते हैं कि अब तक मैंने समीर के बारे में जो कुछ भी देखा वो सब झूठ था, वो धोखा था, लेकिन फिर भी तो मैंने देखा है। तुम्हें किसी ने बांध रखा है और मुंह में दुपट्टा है, दुपट्टे से किसी ने पाल को बांधा हुआ है। अब आप ही बताइए मम्मी जी, इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मुझे यही नजर आता है बेटा कि डॉक्टर ने जो कहा है तुम्हारे बारे में वही सही है। अरे मेरी बच्ची पायल तो यहीं खड़ी है हमारे साथ, बिल्कुल सही सलामत। आप लोग मेरे बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? समझ में नहीं आ रहा। जानकी, मैंने अभी अभी समीर को वापस देखा, वापस देखा, वापस देखा, वापस देखा। वो भाग रहा था और भी मैंने कुछ देखा। किसी की शादी हो रही है, ये तो नहीं जानती कि किसकी, लेकिन हरी चाचा आप उस शादी में फूल डाल रहे हैं और फिर समीर आ रहा है, समीर आ रहा है, मैंने देखा, मैंने फिर से देखा कि वो आ रहा है। और
अब भी आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। ठीक है, आप लोग मुझ पर विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन एक दिन आएगा समीर यहाँ पर खड़ा होगा, आप सबके सामने यहाँ पर समीर खड़ा होगा। जानकी, जानकी की हालत तो बिगड़ती जा रही है। ऐसे ही हालात रहे तो जानकी को पागलखाने भेजना पड़े। पागलखाने भेजना, पागलखाने भेजना, पागलखाने भेजना, पागलखाने। ऐसा तो जानकी के साथ पहले कभी नहीं हुआ है। कहीं ईश्वरी हमें जानकी के स्वप्नों के रूप में कोई संकेत तो नहीं दे रहे हैं ना? मेरे समीर को मुझे वापस करना ही होगा माँ, आपको मेरा सुहाग लौटाना ही होगा। जानकी बेटा, तुम क्यों अपने कमरे से बाहर आई? जाओ आराम करो। मेरी चिंता मत कीजिए भावना चाची, बिंदिया की जान बचाइए। बिंदिया क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। अब बिंदिया कहाँ है? कुछ नहीं हुआ है बेटा, सब कुछ ठीक है, जाओ तुम आराम।
प्रीमोनिशन, इंट्यूशन, सिक्स सेंस, अब जो भी चाहे नाम दे सकते हैं इसे। चाइना में एक ऐसा ही केस हुआ था, एक आदमी को फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा था। कल जो घटनाएं होने वाली थी वो आज ही उसे दिखाई देती थी, वैसी की वैसी। मुझे लगता है कि आपकी बहुरानी के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जानकी के केस में मुझे ऐसा लगता है कि जब उसके दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ता है तब उसे ऐसी घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। ए हाय हाय डॉक्टर, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आप जानकी की बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है आपको कुछ ऐसी बात का पता चले जिससे आपको आपका तीसरा खोया हुआ बेटा मिल जाए। अब मुझे चलना होगा। जानकी अब कहीं नहीं जाएगी, मुझे उसके कहे एक एक शब्द पर भरोसा है। इसका मतलब हमारा समीर जिंदा है। पर वो जो लाश मिली थी वो, मतलब तीनों बेटों की लाशें मिलना, ये गलत है? चुप कर जाती। और तुम सब लोग सुन लो, वो सब झूठ है। वो खबर, वो लाशें मिलना, सब झूठ है। मैं जानती हूँ समीर जिंदा है। समीर ही क्यों, मेरे बाकी दो बच्चे भी जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, हमारा समीर जिंदा है। हाँ इंदिरा, और मेरा ये विश्वास अटल है। पर आप लोग ये तो सोचो कि कैसे मुमकिन है। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। इस दुनिया से जाने के बाद कभी लौट कर आया? कभी लौट कर आया? समीर भी हमें छोड़कर चला गया। इससे पहले भी तो तुमने ध्वज और डेरे को देखा, ध्वज और डेरे को देखा, ध्वज और डेरे को देखा। शायद तुम्हारा ध्यान नहीं पड़ा होगा, जब तुम्हारा ध्यान छोड़ा है तो वही बात तुम्हें नींद में बार बार याद आ रही है। मैं जानती हूँ, कि तुम समीर को बहुत प्यार करती हो, और शायद इसी वजह से तुम्हारे ख्यालों में से निकल कर तुम्हारे ख्वाब में आ गया। सच बात तो ये है जानकी, अब हमारे तीनों पाते, समीर, रोहित और महेश, इस दुनिया में।